नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं इस विषय पर बात करूँगी कि सुहागिन महिलाओं को किस तरीके से चूड़ी पहननी चाहिए जिससे कि धन लाभ हो सकता है। तो देखा याद जाता है कि प्राचीन समय की बात हो या फिर आज का या आधुनिक युग, स्त्रियों के साथ श्रृंगार में चूड़ियों को सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। भारत में चूड़ियां पहनने का रिवाज शायद इतना पुराना है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा देवी देवताओं के युग से चली आ रही है। इसलिए तो हिंदू धर्म की सभी देवियों की तस्वीरों तथा मूर्तियों में उन्हें चूड़ी पहने हुए दिखाया जाता है। वही हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सुहागिन स्त्रियों की चूड़ियों का संबंध पति के भाग्य के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। इसलिए महिलाओं की चूड़ियाँ पहनते समय कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब भी महिलाएं चूड़ियाँ पहनती हैं तो चूड़ियाँ पहनते समय कुछ चूड़ियाँ टूट जाती हैं, जिससे हमारी माताएं बहनें इन चूड़ियों को ऐसे ही ज़मीन पर पड़े रहने देती हैं जो कि पैरों के नीचे पड़ती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आपको बता दें ऐसा करने से पति को हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर चूड़ी टूट जाए तो उन चूड़ियों को पहले 3 बार अपने मस्तक में लगाएं, फिर किसी कागज़ या पन्नी में लपेटकर इसे अच्छी जगह या किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। कई बार चूड़ियाँ पहनते समय कुछ चूड़ियाँ चटक जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाएं इसे पहन लेती हैं। लेकिन हम आपको बता दें, हाथ में चूड़ी चटकी हुई पहनने से पति का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है और सभी जगह पर पति को हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी भूल से हाथों में चटकी चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। और तो और, सुहागिन महिलाओं को चूड़ियाँ पहनते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दोनों हाथों में चूड़ियाँ बराबर पहनी होनी चाहिए। यानी कि दाएं हाथ में आपने जितनी चूड़ियाँ पहनी हैं, बाएं हाथ में 1-2 चूड़ियाँ अधिक ना पहने। ऐसा करने से पति पत्नी में भी विवाद होने लगता है। इसलिए अगर आपके हाथ में ऐसी चूड़ियाँ हैं तो बिना किसी देरी के इसे निकाल दें। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि महिलाओं को कभी भी बाल खोलकर चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, बल्कि आप अपने बालों में कंघी कर बना लें, फिर अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनें। यदि आप ऐसा नहीं करते तो इससे आपके पति और भाई का कर्ज बढ़ता है और साथ ही साथ इसकी वजह से पति पत्नी के बीच मन मुटाव भी होने लगता है। साथ ही इसका असर ससुराल और मायके दोनों पर बराबर पड़ता है। तो यह थी वह सावधानियाँ जो आपको करनी चाहिए चूड़ियाँ पहनते वक्त। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।